वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने 17 रुपए में पिज्जा कैसे बनाया। दिस इज वेज मशरूम चीज बर्स पिज्जा। तो 17 रुपए में आप सोच रहे होगे कैसे बन गया पिज्जा, बिकॉज सारा पिज्जा का सामान मैं पिज्जा बनाती रहती हूँ घर पे, और ये फोर्थ या फिफ्थ टाइम मैं पिज्जा बना रही हूँ। तो सारा सामान ऑलरेडी मेरे पास घर पे है, खाली रेडीमेड पिज्जा ब्रेड मैं बाहर से लेके आई हूँ, जो कि 35 रुपीस के दो ब्रेड आते हैं। तो मैंने एक यूज कर लिया था ऑलरेडी, तो 35 का आधा कितना हुआ, 17.5। तो 17.5 रुपए में आज मैं पिज्जा बनाऊंगी, बाकी सारा सामान ऑलरेडी मेरे पास घर पे है, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाया और क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए पिज्जा ब्रेड, फिर हमें चाहिए पास्ता एंड पिज्जा सॉस। ये हम कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो मैंने यूज किया है वो मैं आपको बताती हूँ। डेल मॉन्ट का मैंने यूज किया है। और इसके बाद हमें लगेगा चीज, दिस इज मोजरेला चीज, ये अमूल का चीज है। और हमें चाहिए टंटड़ान अमूल का ब्लॉक चीज भी हमें चाहिए इसमें। और फिर इसके बाद हमें चाहिए ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव, हैलेपिनोज, एंड फिर हमें वेजिटेबल्स के लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड ग्रीन शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, टमेटो, ये मैंने स्लाइस किए टमेटो। और हमने लिया है मशरूम, आप मशरूम की जगह पे पनीर ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, या जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। तो हम शुरू करते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम पिज्जा ब्रेड पे लगाएंगे पिज्जा एंड पास्ता सॉस। हमेशा तो इसलिए बनाती थी कि मुझे खाना था, घर वालों को खिलाना था जो भी घर पे, बट मेरी स्टोरी देख के मेरे जो मामा है कमल मामा, उन्होंने मुझे स्पेशली 2 दिन से बोला है प्लीज मेरे लिए भी तू पिज्जा बना। तो मैंने बोला ओके कमल मामा, मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो आज स्पेशली मैं पिज्जा उनके लिए ही बना रही हूँ। पिज्जा पास्ता सॉस का टेस्ट इतना हार्ड नहीं है, तो आप अपने हिसाब से जितना चाहो लगा सकते हो। एकदम ऐसा कम कम लगाओगे तो टेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी टॉपिंग्स आ जाएंगी, तो उसका टेस्ट वैसे भी इतना नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छे से लगाना है, नो कंजूसी, ओके। अब हम चीज को ग्रेट करेंगे। मैं चीज बार बार फ्रिज में इसलिए रख रही हूँ बिकॉज बाहर रखे रखे वो ना नरम हो जाती है। मैं चीज में बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रही हूँ, अगर आप बाहर खाने जाओगे तो मुझे नहीं लगता वो आपको अमूल चीज देंगे। बात तो सही है तो मैं घर पे सारा क्वालिटी बहुत अच्छा यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमें ही खाना है, किसी को बेचना नहीं है हमें। वेरी गुड। बट अगर बेचना भी हो, अगर मेरा कल का खुद का शॉप भी हो कोई भी चीज का, स्पेशली खाने की चीज का, तो मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी खाने की चीज पे। अच्छा, चीज हमने पूरा डाल दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे टमेटो के साथ। टमाटर को मैंने स्लाइस कर लिया था। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अनियंस। और सच बताऊं, मैंने टमेटो के अलावा बाकी सब कुछ बहुत ही छोटा छोटा इसलिए किया है क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें रहती है ना, तो हम लोग पिज्जा में से निकाल देते हैं और फिर खाते हैं, छोटा छोटा रहेगा तो इतना पता नहीं चलता है। अब हम डालेंगे ग्रीन शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, आउच एक ही जगह बहुत सारी गिर गई, वैसा नहीं करना था, बट इट्स ओके। ओके, अभी ये सारी चीजें डालने के बाद हम डालेंगे मशरूम। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप अगर ओवन में बना रहे हो तो आपको ओवन ऑलरेडी 10 मिनट के लिए प्री हीट करना पड़ेगा, तो मेरा ओवन ऑलरेडी चालू है। अब हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें ये, देखा घंटी बज गई कि हमारा ओवन प्री हीट हो गया है, बट प्री हीट होने के बाद भी मैं उसको ऑन ही रखूँगी, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी 5 मिनट और जाएगा। मतलब मैंने टाइमर सेट नहीं किया, बस स्टे ऑन पे रखा है। अभी 3 चम्मच इसलिए बिकॉज एक ही चम्मच तीनों में हमें नहीं डालना है। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लैक ऑलिव्स, आई जस्ट लव ब्लैक ऑलिव्स। फिर हमें लेना है ग्रीन ऑलिव्स। अगर मेरे मामा ये वीडियो देख रहे, कमल मामा प्लीज आप सब खाना कुछ निकाल निकाल के मत खाना। फिर हम लेंगे हैलेपिनोज। अब हम ये तीनों को प्लेस कर देंगे, टंटड़न टंटड़न टंटड़न, ओके टंटड़न ऑलिव्स, टन 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 टन, एंड इट्स अ टन। हमारा ये सारी चीजें होने के बाद हाथ धोना पड़ेगा बिकॉज हाथ गीले हो गए, और हमें इस पे डालना है मोजरेला चीज। मोजरेला चीज आपको पता है, जब हम यू नो चीज बर्स पिज्जा होता है उसमें भर भर के मोजरेला चीज होता है, ताकि यू नो वो स्ट्रिंग के जैसा लटकता रहे। बीच बीच में साफ सफाई करते रहना पड़ता है, बिकॉज मैं अगर किचन में आ गई तो बहुत सारा पमाड़ा होता है। ओवन पैन में डालना है ऑयल, अच्छे से ग्रीस करना है। अब हम पिज्जा को ट्रांसफर करेंगे इस ट्रे में, और बहुत ही प्यार से हमने रख दिया है। वाओ, अब हम भरेंगे अपने ओवन की तरफ,
ओवन में जाने से पहले ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हाथ जल जाएगा। बट मैं बताना चाहूंगी, ये जो मैं जली हूँ खाना बनाते बनाते नहीं जली हूँ, बाल कर्ल करते करते जली हूँ। चलो ओके, अब हमें इसको डालना है ओवन के अंदर। ये ओवन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, सबसे पहले हम ओवन बंद कर देते हैं, देखो जल जाता है बीच बीच में। तो रुको, पहले ये स्टोरी बाद में बताऊंगी, फिर हमको 20 मिनट्स का टाइमर सेट करना है। ये वाला जो सेक्शन है ये हमें बताता है कि हमें ऊपर से बेक करना है कि सिर्फ नीचे से बेक करना है या ऊपर नीचे दोनों जगह से बेक करना है। तो दोनों जगह से बेक करने वाले पे मैंने रखा है और इसको 180 डिग्री पे मुझे रखना है। 180 मेंशन नहीं है बट 200 के थोड़ा पहले ही 180 है, तो अपने अंदाजे से मैंने रख दिया है। ये अवन के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये अवन सिमरन ने मंगाया था कुछ 5 साल पहले, और इमेजिन कितने का मंगाया था, 2 या 2500 रुपए का उसने मंगाया था। मतलब हमको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सस्ता अवन भी मिल सकता है। दीदी 5 साल पहले 2-2500 बहुत था। हाँ क्या? हाँ। मुझे लगता था कि शायद महंगा जितना फ्रिज सब महंगा मिलता है, ये भी महंगा मिलता होगा। तो यस, अभी हम इसको 20 मिनट के लिए रहने देते हैं, तब तक मैं दूसरा पिज्जा बनाती हूँ, उसका वीडियो नहीं दिखाऊंगी बिकॉज एक का खाली आपको बताना था कैसे बनेगा। अब जब ये निकल जाएगा 20 मिनट के बाद, फिर फटाफट गार्निशिंग करके मैं अपने मामा के पास पहुंचा दूंगी। हमारा पिज्जा को 20 मिनट्स हो गए और उसने घंटी बजा दी है, तो अब हम ओवन को खोलेंगे, बहुत ही आराम से सेफ्टी के साथ इसको निकालेंगे। एक्चुअली मेरे पास 2 है बट एक नीचे रखा है, तो मैं एक से मैनेज कर लेती हूँ, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बंद कर देंगे और अभी मैं इसको ऑन ही रखती हूँ बिकॉज मुझे और भी पिज्ज़ा बनाना है। ओके, तो पिज्ज़ा को इसमें से अब चॉपिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसको कट करेंगे। टन 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 टन। ओके, तो ये बीच में से तो अच्छी तरीके से कट हो गया है। अब इसको मैं इन टोटल 8 पीसेज में कट करूंगी। ओके, तो ये मेरा पिज्जा हो गया है रेडी। अब मैं इसको पैक करती हूँ, बट पैकिंग मैंने गलती कर दी, इस पे डालने के बाद कटिंग करना था, अभी बहुत मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। ओके, चलो कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही कर लेते हैं। प्लेट में सेटल कर दिया है, अब हम इसको करेंगे कवर और सीधा मामा के पेट के अंदर। आई होप आपको ये पिज्जा वाला व्लॉग पसंद आया हो, और नेक्स्ट आप क्या चाहते हो मैं क्या बना के आपको देगा। वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, व्लॉग बहुत कम बना पाती हूँ, बट आपको क्या चाहिए कि मैं आगे क्या बनाऊँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए हमेशा। लव यू, सी यू सून, बाय बाय।